has expressed his no objection to the amendments proposed. Thank you, sir. Dr. Ranjan Sushant. The Indian Medicine Central Council Amendment Bill 2010 पर चर्चा के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उपाध्यक्ष जी, चर्चा के लिए आवश्यक है कि हम सबको ज्ञात हो कि इस बिल के उद्देश्य क्या है, संशोधन क्या है, मूल रूप में बिल में मुख्यता क्या था, संशोधनों का प्रभाव क्या होगा और उद्देश्य पूर्ति के लिए संशोधनों में कमियां क्या रह गई हैं और सुझाव क्या क्या हैं. आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी पहलुओं पर अपने विचार दे रहा हूं. जहां तक उद्देश्यों का सवाल है, सीसीआईएम का गठन 1970 में किया गया था, जिसमें अब सीसीआईएम के गठन की प्रक्रिया में भारतीय चिकित्सा परिभाषा में आयुर्वेद, यूनानी व सिद्धा के साथ स्वारिप्पा को सम्मिलित करना है. स्वारिप्पा का विकास, संरक्षण व परिरक्षण करना है. सीसीआईएम के फंक्शंस में स्वारिप्पा की सहभागिता क्या है, कितनी रहेगी, ये भी करना है. माननीय उपाध्यक्ष जी, हम जानते हैं जो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके उद्देश्यों में तीन चार बातें विशेष तौर पर कही गई हैं. स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग विमोक्षणम, अर्थात स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को निरोग करना. और इसी तरह हमारी वैदिक में भी कहा गया है कि हमारा उद्देश्य है भारतीय संस्कृति का, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् रोग भवेत. और इसी तरह अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतमगे. और इस तरह साथ ही रोटी, कपड़ा और मकान, सबको सेहत दो भगवान, जीवेम शतम. अब इन सब चीजों के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विचार करना जरूरी है कि जो नया सिस्टम आ रहा है, यह स्वारिप्पा है क्या? क्योंकि देश के बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है कि स्वारिप्पा क्या है, इसमें क्या संशोधन आए हैं, क्या सुझाव है. और आयुर्वेदा और एलोपैथी के सिस्टम के लिए अलग अलग परिषदों का गठन करना क्यों जरूरी है, इन पर भ्रम बने हुए हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा स्वारिप्पा के बारे में, ये इसका मतलब है सिस्टम ऑफ मेडिसिन. आजकल ये बहुत से देशों में प्रचलित है, परंतु इसका ओरिजिन व डेवलपमेंट तिब्बत से जुड़ा है, इसलिए इसे तिब्बतन मेडिसिन भी कहते हैं. यह विश्वास किया जाता है कि शुरू में जब हमारी संस्कृति आई, सभ्यता आई, तो उस समय आर्ट ऑफ हीलिंग वाज प्रेरोगेटिव ऑफ गॉड्स. जब तक काशीराज देवदास, जो कि एंशियंट इंडियन किंग थे, स्वर्ग में नहीं गए थे, तब तक यह विश्वास किया जाता था केवल देवता ही ये प्रेरोगेटिव रखते हैं इलाज करने का. लेकिन जब काशीराज देवदास इन देवताओं से चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने स्वर्ग गए और ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने आकर अपने पुत्रों व शिष्यों को सिखाया था. शुरू शुरू में ये ओरल ट्रेडिशन रही, मौखिक तौर पर. और जब भगवान बुद्ध प्रकट हुए, उनका अवतार हुआ, तो उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति का ज्ञान संस्कृत भाषा में लिखित तौर पर दिया, जिसका विस्तार बाद में गुरु रिम्पोछे द्वारा 8वीं शताब्दी में बुद्धिज्म तिब्बत में फैलाया गया. गुरु रिम्पोछे ने इसमें से कुछ को तिब्बतन भाषा में ट्रांसलेट किया, फिर तिब्बती राजाओं ने इसे प्रचार व प्रसार दिया. इसका प्रचार और प्रसार तिब्बत, हिमालय क्षेत्रों के साथ साथ चीन, भारत व मुस्लिम वर्ल्ड में भी फैला हुआ था. 5वें दलाई लामा के अधीन चागपोरी मेडिकल स्कूल ल्हासा में स्थापित किया गया, जो फेमस सेंटर ऑफ हीलिंग बन गया था. तिब्बत में उपाध्यक्ष महोदय 5 मेजर ट्रेडिशनल साइंसेज हैं और उसमें से स्वारिप्पा एक विशेष साइंस है. स्वारिप्पा का मतलब है सोवा मीन्स टू हील, टू नरिश, और रिप्पा मीन्स साइंस और नॉलेज. स्वारिप्पा मीन्स साइंस ऑफ तिब्बतन हीलिंग, तिब्बतन मेडिसिन. फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिसिन वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग ट्रिसोंग ड्यूस्टिन इन 8th सेंचुरी, जिसमें इंडिया, पेरिस, चाइना, ग्रीस, नेपाल, ईस्टर्न तुर्किस्तान आदि देशों से बहुत से विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने भाग लिया था. स्वारिप्पा, जिसे
आमतौर पर आमची कहा जाता है और आमची समझा जाता है संसार में, अर्थात ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड है, जो भारत के हिमालयन क्षेत्रों में प्रख्यात है और प्रचलित था। जैसे माननीय आजाद जी ने कहा, आज भी हमारे देश में सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल के लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर के लद्दाख तथा पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग में यह सिस्टम प्रचलित है। यह पद्धति उपाध्यक्ष महोदय आयुर्वेद की तरह ही है और कुछ इसमें चाइनीज मेडिसिन का भी सम्मिश्रण किया गया है। इसे भगवान बुद्ध ने ही सिखाया है और क्योंकि आयुर्वेद पद्धति में इसको सम्मिलित करना चाह रहे हैं हम, तो इसलिए आयुर्वेद के बारे में हमारे माननीय सारे सदस्य जानते हैं। अष्टांग आयुर्वेद में 8 डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट रहे हैं इस देश के अंदर। काया चिकित्सा अर्थात इंटरनल मेडिसिन, शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी, कौमार भृत्य अर्थात पेडियाट्रिक्स, शालाक्य अर्थात आई एंड ईएनटी, अग्र तंत्र अर्थात टॉक्सिकोलॉजी, रसायन अर्थात प्रिवेंटिव केयर एंड रीजुविनाइजेशन, विजीकरण अर्थात एफ्रोडियासिया एंड इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ प्रोजिनी, और आठवां है भूत विद्या, जिसे आजकल साइकेट्री कहा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता हमारे देश में और संसार में प्रसिद्ध रहे हैं। सुश्रुत संहिता एक सर्जरी का ग्रंथ है जिसके 184 चैप्टर हैं, 1120 बीमारियों का इसमें वर्णन है, 700 औषधियां प्लांट से, 64 खनिजों से और 57 पशुओं के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें जैसे आजाद साहब ने भी कहा कि जो कम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं उनकी भी ट्रीटमेंट का प्रावधान था, जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्टोन्स, फिस्टुलास, एम्पुटेशन और सीजेरियन ऑपरेशन का प्रावधान भी है। और इसी तरह से चरक संहिता के बारे में भी एक चाइनीज यात्री फा हसन आए थे, जिन्होंने लिखा कि गुप्त साम्राज्य के समय जो कि 320 से 550 एडी तक रहा है, उसमें चरक संहिता का वर्णन है। सुश्रुता चरक संहिता का बाद में अरबी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ और जिसमें खलीफा अब्बासीद ने इनको ट्रांसलेशन किया। यहां से यह ग्रंथ यूरोप गए, फिर इटली गए और ब्रिटिश फिजिशियन जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन भी 20 साल भारत में रहे हैं, जिन्होंने यहां भारत से प्लास्टिक सर्जरी सीखी। सुश्रुत संहिता में सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन किया है उनको वेस्टर्न वर्ल्ड ने मॉडर्न इक्विपमेंट को बाद में फर्दर मॉडिफाई किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जैसे आयुष का वर्णन किया है आदरणीय आजाद साहब ने, जिसमें AYUSH का मतलब है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी और उसके साथ साथ सिद्धा और साथ में होम्योपैथी, ये पांच पद्धतियां आयुष में आती हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको आयुर्वेद का थोड़ा सा इतिहास बताया है, इसी तरह भारतीय उपमहाद्वीप में मुझे गौरव है कि यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि प्राप्त हकीम अजमल खान, हकीम अब्दुल हमीद, हकीम मोहम्मद सईद और हकीम सैयद जिल्लुर रहमान हमेशा याद रखे जाएंगे। आयुष का जैसे मैंने वर्णन किया, यह हमारा इतिहास रहा है। अब मैं आदरणीय उपाध्यक्ष जी संशोधनों पर आता हूं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने शेष संशोधन इसमें दिए हैं, धारा 2 में, धारा 3 के क और ख में, धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 17 में और प्रथम अनुसूची में। मैं पार्टी की ओर से इन सारी धाराओं में किए गए संशोधनों का समर्थन करता हूं और साथ ही मैं आजाद साहब से प्रार्थना करूंगा कि किसी वजह से एक आवश्यक संशोधन इसमें छूट गया है, उपधारा 3 में भी संशोधन आवश्यक है, क्योंकि इसी उपधारा में जहां CCIM के अध्यक्ष के चुनाव की बात है, वहां प्रत्येक इस पैथी में से एक एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो उपाध्यक्ष के चुनाव में आज जहां लिखा गया है जिसमें जिक्र है आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी, वहां पर मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके साथ साथ आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी के साथ साथ सोवा रिप्पा भी जोड़ दिया जाए, तभी हमारी। और साथ ही मैं आजाद साहब से प्रार्थना करूंगा कि किसी वजह से एक आवश्यक संशोधन इसमें छूट गया है, उपधारा 3 में भी संशोधन आवश्यक है, क्योंकि इसी उपधारा में जहां CCIM के अध्यक्ष के चुनाव की बात है, वहां प्रत्येक इस पैथी में से एक एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो उपाध्यक्ष के चुनाव में आज जहां लिखा गया है जिसमें जिक्र है आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी, वहां पर मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके साथ साथ आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी के साथ साथ
सोवा रिप्पा भी जोड़ दिया जाए, तभी हमारी सीसीएम की वाइस प्रेसिडेंट की जो चुनाव प्रक्रिया वो पूरी हो सकेगी। मैं सुझाव भी देना चाहूंगा आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आज सीसीएम का जो उद्देश्य है उनमें सबसे पहले है अच्छी उच्च और गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रदान करना। माननीय सभापति कृपया समाप्त करें जी, 15 मिनट है हमारे लिए, और इसी के साथ साथ दूसरा है कि रजिस्ट्रेशन करना का है जी, पूरा बिल एक घंटा कंक्लूडिंग करना है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, अब सीसीएम का जो गठन हो रहा है उनमें मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो सबसे पहले वोटर लिस्ट बन रही है आज उसमें कुछ खामियां रह गई हैं। आज यूटी और यूपी बराबर कर दिए गए हैं, क्योंकि धारा में लिखा गया है कि एक राज्य में मैक्सिमम 5 मेंबर चुने जाएंगे। अगर यूनियन टेरिटरी में से एक भी चुना जाए कम से कम, और यूपी में से 5 भी चुने जाए, तो फिर भी मैं समझता हूं कि यूपी जैसे राज्य के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि यूपी की जनसंख्या 80 गुना है कि यूटी के साथ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको ठीक किया जाए, और राज्यसभा के पैटर्न पर चिकित्सकों की संख्या जो रजिस्टर में दर्ज है उसके अनुसार उस राज्य से सीसीएम के लिए सदस्यों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाए। और इसके साथ साथ दूसरी समस्या है अवधि की। आज जो भी सदस्य चुने जा रहे हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जी इसमें एक कमी रह गई है कि उसमें लिखा गया है कि अगर एक सदस्य 5 साल के लिए चुना जाता है और उसके बाद जब तक नया सदस्य चुन के नहीं आता है तब तक वही सदस्य कंटिन्यू करेगा, और उससे स्थितियां क्या हो गई हैं, जो एक बार चुना जाता है वो षड्यंत्र करता है, इस विसंगति का दुरुपयोग करता है और उस राज्य में चुनाव ही नहीं होने देता, कोई न कोई अड़चन खड़ी कर देता है और मामला कोर्ट में लटका दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा इसमें संशोधन कर दिया जाए कि कोई भी सदस्य 5 साल के बाद सदस्य नहीं रहेगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी और चुनाव भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसी तरह मेरा सुझाव है कि एजुकेशन में एडमिशन का जो परमिशन देना है वो जून के महीने तक दे दिया जाए, ताकि समय पर एडमिशन हो जाए, और रजिस्ट्रेशन भी हर साल रिन्यू की जाए। अनक्वालिफाइड तथा कथित चिकित्सकों पर सेफ चेकिंग हो, ताकि देशवासियों की जान से खेलने वाले इन लोगों को सख्ती बरत के सजा दी जाए। समाप्ति कर रहा हूँ जी। इसी तरह मेरा सुझाव है कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब जगह खोली गई है, इसी तरह से हमारे आयुष के सिस्टम को भी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए सारे राज्यों में एक एक यूनिवर्सिटी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को दी जाए, और खासतौर पर हिमालय के राज्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तरांचल से इसकी शुरुआत की जाए। और इसी तरह मैं चाहूंगा कि सीसीएम में प्रावधान किया जाए और सभी हॉस्पिटल पीएससी रेफरल हॉस्पिटल में, चाहे वो गांव में हो शहर में हो, आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथा और रूपा के भी डॉक्टर लगाए जाएं, और रजिस्ट्रेशन का भी स्टैंडर्ड और टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर एक ही मापदंड निर्धारित किया जाए। अंत में आदरणीय उपाध्यक्ष जी, सीसीएम में हम ले तो रहे इस पद्धति को, लेकिन इसमें कठिनाई आ रही है कि अभी ये पता नहीं है कि इनके डॉक्टर कितने हैं, कितने कॉलेजेस हैं, इनकी फैकल्टी क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, इनको एजुकेशन कौन देगा, फैकल्टी कहाँ से आएगी, सिलेबस क्या होगा। ये इन बातों पर ही मैं चाहूंगा कि इसके डिटेल में हम जाएं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास 2 परिषदें हैं, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मा और पैरामेडिकल, ये 5 काउंसिल्स हैं। इसी तरह इंडियन सिस्टम में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा की 4 काउंसिल्स हैं, और 5 में हम सोवा रिप्पा की कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय उपाध्यक्ष जी, एमसीआई को भंग कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल शिक्षा क्षेत्र की सभी मौजूदा परिषदों को भंग कर इनकी जगह नई व्यवस्था करने की कवायद तेज कर दी है। आजाद साहब का दावा है कि संसद के अगले सत्र में एनसीएचआरएच अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद पेश कर देंगे, जिसमें सारी पारंपरिक तथा एलोपैथिक पद्धति के मेडिकल कॉलेजों का नियमन अलग अलग रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आदरणीय कपिल सिब्बल का प्रस्ताव है कि एनसीएचईआर अर्थात राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और शोध आयोग में मेडिकल शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय आजाद साहब कृपया समाप्त करें, समाप्ति कर लास्ट पॉइंट नहीं, ये समाप्ति तो कई बार की है ना, इसको स्पष्ट करें। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अंत तो कई बार अंत में कर देते हैं ना, कुछ कह रहा, जल्दी बोलिए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज
जैसा कि हमारी पार्टी ने सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है बार बार, इसमें भी सीबीआई का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। ये भारत की सरकार सीबीआई के छापे इसी महीने में पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में केवल उन संस्थाओं पर डाले गए हैं जहां की परिषद या यहां के काउंसिल या यहां की ट्रस्ट जो है उनके जो मालिक है वो विरोधी पक्ष से हैं, लेकिन यहां के मालिक सत्ताधारी दल के हैं, वहां पर सीबीआई ने कोई रेड नहीं किया है। और मैं कहना चाहूंगा समाप्त करें, अभी समाप्त कर रहा हूं, अभी सीबीआई समाप्त कर रहे हैं, अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में समाप्त कर रहे हैं रिट पटिशन की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल आयुर्वेदिक कॉलेजों में एडमिशन पर बैन लगा दिया जाए क्योंकि सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स पाए गए हैं, अगर ये ठीक नहीं हुए तो सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस आएंगे, सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस आएंगे तो बैड डॉक्टर्स पैदा होंगे और सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स पैदा होंगे। और इसी तरह से महाराष्ट्र से भी एक एसोसिएशन है, उन्होंने सीसीएम के एक प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें सीसीएम ये कह रही है कि हम रीजनल लैंग्वेज को ड्रॉप कर देंगे। उनका आगे तो जाएगा संक्षेप दो उपाध्यक्ष जी, दो मिनट मैं आपकी अनुमति से और स्वास्थ्य मंत्री जी से क्षमा मांगती हूं। इस पर नहीं, दूसरा।